हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मसूर पुलाव। ये एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। इसमें लगे हुए इंग्रेडिएंट्स और उनकी क्वांटिटीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आलू में हल्दी डालकर उसे मैरिनेट करने रख देंगे। इसे कुछ ही देर रखना है। तब तक हम अपनी काली छिलटे वाली मसूर की दाल को धो के बॉईल करने चढ़ा देंगे। इसे हमें सिर्फ 70% ही कुक करना है। जब तक हमारी दाल पक रही है, एक बड़े गंज में हम तेल लेंगे और उसमें थोड़ा घी डालेंगे। जब तेल और घी गर्म हो जाए, उसमें हम पीसा हुआ प्याज का मसाला डालेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का मसाला। इसे अच्छी तरह से भून लें। जब तक हमारा अदरक लहसुन का मसाला और प्याज का मसाला पक रहा है, एक कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें हमारे मैरिनेटेड आलू हम तल लेंगे। ये सारी चीज़ें हमें पुलाव का बेस बनाने के लिए लगेगी। तो एक तरफ हमारा मसाला भून रहा है, एक तरफ हमारी दाल उबल रही है और एक कढ़ाई में हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं। जब अदरक लहसुन प्याज का मसाला अच्छी तरीके से पक जाएगा तो वो तेल छोड़ने लगेगा। उस टाइम हम उसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और काली मिर्च पाउडर डालेंगे। मसालों को अच्छी तरह भून लीजिए ताकि उनकी रॉ स्मेल चली जाए। जब मसाले भून जाए, उसमें हम बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर पकने जितना उसमें हम नमक डालेंगे। जब आलू अच्छी तरह तल लिए हों तो उन्हें बाहर निकाल लीजिए। उसी तेल में हम हमारी बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। ये प्याज हमें बरिस्ता बनाने काम आएगी। बरिस्ता बारीक कटी हुई प्याज होती हैं जिन्हें हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करते हैं। टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ तीनों चीज़ें साथ में कर रही हूँ। आप चाहो तो दाल पहले से उबाल के रख सकते हो। तो हमारी दाल भी अब पक चुकी है। इसे निकाल कर बाहर प्रेस करके देखें, इसके छिलटे अलग होने चाहिए। दाल पकने हमें करीबन 15 मिनट लगे। प्याज थोड़ी कम ब्राउन होने लगे तभी आप बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि वो बाहर अपने तेल में भी फ्राई होती है। तो यहाँ हमारा मसाला भी रेडी है और इसमें हम डालेंगे तले हुए आलू और पकी हुई दाल। दाल हमने सिर्फ 70% ही पकाई थी, बाकी 20% वो यहाँ मसाले में पकेगी। तो ये हमारे पुलाव का बेस तैयार हो रहा है। जब तक हम पुलाव का बेस बना रहे हैं, हम हमारे चावल भी बॉईल कर लेंगे। चावल बॉईल करने के लिए हमने उससे दुगना पानी लिया है और उसमें डाला है नमक, गरम मसाला, धनिया पत्ते, पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा घी। चावल को हम 3/4 पकने तक पकाएंगे। चावल और दाल का रेशियो 2:1 होना चाहिए, यानी 3 ग्लास चावल में 1.5 ग्लास दाल होनी चाहिए। चावल पक जाए तो उसे निथार लीजिए। ये पॉइंट पे हमारा मसाले का बेस भी रेडी है और हमारे चावल भी। तो चलिए अब इसकी लेयर लगाते हैं। थोड़े से चावल मैंने उसी गंज में रहने दिए जिसमें मैं उसे पका रही थी। उसके ऊपर मैंने एक मसाले की लेयर लगाई और उसके ऊपर अब हम डाल रहे हैं हमारे पके हुए चावल। आप चाहें तो यहाँ बिरिस्ता भी डाल सकते हैं। एक एक करके मैं चावल का लेयर और दाल का लेयर लगाते जा रही हूँ। जब हमारी चावल की आखिरी लेयर लग जाए तो उस पर हम अपनी तली हुई प्याज यानी बिरिस्ता, धनिया और पुदीना डालें। इसे ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएं। 15 मिनट बाद इसे चेक करें, आपकी दाल पक चुकी होनी चाहिए और आलू भी गल चुके होने चाहिए। इसे रायते के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। ये रेसिपी आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं और हमें दुआओं में याद रखें। खुद का ख्याल रखें। बाय।